subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Three years,
And today the day has come to announce. एक फैमिली में सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब होती है, या ऑटोमोबाइल बाइक कार कुछ भी परचेस करते हैं तब होती है, या खुद का घर कोई परचेस करे तभी सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो ये जो सबसे ज्यादा जो खुशी हो सकती है फैमिली में, उस चीज के लिए लास्ट 19 साल से प्रॉपर्टी एग्जीबिशन के द्वारा हमारे ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैमिली के लिए हम नवी मुंबई में घर दे पाए और उनकी ज्यादा से ज्यादा खुशियां बढ़ा सके। And we should really give a big round of applause to all the 19 exhibition contributed by members. 19वां एग्जीबिशन जितने भी किया था सबका कंट्रीब्यूशन है, उसमें सब मेंबर्स, हमारे प्रेस प्रतिनिधि लोग, जो आपके बिना हमारे ये एग्जीबिशन सक्सेस होना अधूरा है। एवरी ईयर यू आर गिविंग सच अ लवली सपोर्ट सो दैट आवर एग्जीबिशन इज गोइंग मोर एंड मोर सक्सेस एंड यू हैव रियली टेकन आवर एग्जीबिशन टू अ नेक्स्ट लेवल। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीबॉडी हु हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग फॉर दिस 19th एग्जीबिशन एंड नाउ वी आर कमिंग टू द 20th एग्जीबिशन। अब ये 20th एग्जीबिशन की मैं बात करूं तो हर साल की तरह इसमें हमने मैक्सिमम बिल्डर्स को पार्टिसिपेट होने के लिए प्रयत्न किए हैं, बट ड्यू टू कोविड वी कुड नॉट कंडक्ट द एग्जीबिशन इन द कन्वेंशन सेंटर विच वी हैव बिकॉज इट इज स्टिल अंडर द कोविड एंड नाउ दे हैव रिलीज इमीडिएट जस्ट नाउ दे हैव रिलीज बट इट इज नॉट इन द पोजीशन टू कंडक्ट एग्जीबिशन देयर। सो दिस टाइम वी हैव टेकन टू द ओपन ग्राउंड just opposite the exhibition center, it is Maharashtra Bhavan, and nicely there also we can conduct, because we can design as per our requirement, the stalls and the other things. लगभग 100 exhibitors की हमारी कोशिश थी, but due to open ground and bigger stalls की जो requirement आई थी, because the 20th mega property exhibition में first time हमने 5 pavilion design किए और 5-5 design पैवेलियन बुक हो चुके हैं और छठा पैवेलियन अभी 10 मिनट पहले बुक हुआ है और 10 मिनट पहले बुक हुआ है तो छठा पैवेलियन भी निकलने वाला है, पैवेलियन ही चाहिए। तो वी आर हैप्पी कि आज 100+ मीटर के स्टॉल्स लेने के लिए प्लेयर्स न्यू मुंबई में आए हैं, दैट्स अ गुड साइन। एंड अदर देन दैट वी हैव बैंकर्स एज यूजुअल, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, महेंद्र रूरल हाउसिंग बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज प्रपोज्ड प्रीमियम का, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड एसबीआई इज अ को स्पॉन्सर एंड वी वुड बी हैप्पी टू अनाउंस दिस टाइम वी हैव गॉट वेरी गुड स्पॉन्सर्स। फर्स्ट वी हैव इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम टाइटल स्पॉन्सर्स एंड फॉर द टाइटल स्पॉन्सर्स वी हैव डेल्टा ग्रुप, फॉर मेन स्पॉन्सर्स वी हैव पैराडाइज ग्रुप, for co-sponsors we have EV Homes and Satyam Developers, banking partner as I said State Bank of India, digital partners Realty and pricing partners, very good support on only one phone call is RC International. So this was a brief about the participants and the stalls and the introduction for the 20th mega property exhibition. Now let's see how we take it from here, and we hope that this year also we have a many marketing and other things which will come up, and we will have a great success as usual and with your support. Yes, and that's it, and I end my speech. Thank you. WhatsApp, through newspaper, through print media and other media propositions, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रेंड अभी चालू है वो है कमर्शियल के जो स्पेसेस हैं विद इन द सिटी, दे हैव इंक्रीज्ड क्वाइट अ बिट। सो यू विल सी रीडेवलपमेंट ऑफ मक्सर सिटी सेंटर, द सेंटर वन एंड ऑल दैट, सो यू विल सी लॉट ऑफ कमर्शियल स्पेसेस कमिंग अप इन नवी मुंबई।
एंड दैट स्पेस बिकॉज अभी तक जो नवी मुंबई के कमर्शियल स्पेस थे वो सेक्टर 11, 15, सेक्टर 17 ऑफ वाशी यहाँ तक सीमित थे बट नाउ वी विल सी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द सप्लाई कमिंग विद इन द सिटी विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकेंड थिंग वॉट वी आर सींग इज ग्रोथ ऑफ MIDC एज अ डेटा सेंटर. यहाँ पर डेटा सेंटर का जो डिमांड है that is exponentially growing and we have seen players like Raheja and others playing a very big role. Third movement jo chalu hai, there is lot of warehousing and what we say storage things happening in the periphery jahan airport aa raha hai, JNPT and areas around that. We are seeing lot of warehousing places coming up there. Then there are workshop kind of places jahan pe chote chote MSMEs aate hain. उसके लिए कुछ डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं MIDC एरिया में. आफ्टर अ लॉन्ग वेट एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स वी आर सीइंग फ्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्टार्टिंग ऑफ. दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव एंड वी विल सी मेनी मेनी मोर प्रोजेक्ट्स कमिंग अप इन नियर फ्यूचर. दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग फाइनल परमिशंस. और एक ट्रेंड जो न्यू बॉम्बे में शुरू हुआ है वो है कि पहले नवी मुंबई के जो डेवलपर्स हैं दे वर अप टू पनवेल बट नाउ यू विल सी देम मेकिंग अपार्टमेंट्स इन द व्हाट वी से रोहिंजन करजर करोजा एंड दिस साइड मुलवे पुष्पक नगर द्रोणागिरी पनवेल एंड बियॉन्ड पनवेल दैट साइड वी कैन थिंक ऑफ नेरल खपोली करजर. सो नाउ द नवी मुंबई डेवलपर्स we have about 500 odd members in our association. So har ek member ka projects either of this nodes mein hai and that's a very big plus. So there is something for everybody. So we have budget starting from say 20-25 lakhs and it is going to few crores on Palm Beach Road. Dusra ek batana chahunga ki ek mid luxury jo segment hai starting from खारगर सीबीडी बेलापुर पाम बीच कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग ऑपोजिट NRI कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू NRI कॉम्प्लेक्स फ्यू ऑफ देम आर कमिंग अप बिहाइंड पाम बीच सानपाड़ा एंड वी आर सीइंग दैट प्रोजेक्ट्स आल्सो कमिंग अप ऑन वाशी सेक्टर 17 एंड अदर नोड्स ऑफ वाशी एंड बियॉन्ड. सो मिड लग्जरी सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रही है. सो ऑफ लेट वी आर नॉट ओनली हैविंग अफोर्डेबल सेगमेंट बट मिड लग्जरी एंड लग्जरी सेगमेंट ऑल्सो मूविंग वेरी वेल. द जो उसको उत्साह मिला है या बुकिंग मिली है फॉर लग्जरी सेगमेंट हैज ऑल्सो बीन वेरी वेरी गुड एंड इट्स गुड एंड हार्टनिंग टू अंडरस्टैंड दैट काफ़ी सारे बुकिंग जो है वो बॉम्बे से है. सो नाउ लॉट ऑफ पॉपुलेशन आर कमिंग फ्रॉम मुंबई. और कमर्शियल जो हब है कमर्शियल के आने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कमर्शियल में जो ऑफिसेज आएगी उसकी वजह से जो रेसिडेंशियल डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. डे बिफोर यस्टरडे देर वॉज अ रिपोर्ट इन इकोनॉमिक टाइम्स दैट मुंबई में आज तक का जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स. सम 11,700 बुकिंग्स हैव बीन डन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. दैट इटसेल्फ शोज that this market during COVID people have understood the importance of house and they are wanting to buy their first home. If they have the first home they want to upgrade their homes and get that extra room. So in all the demand is robust. और नवी मुंबई के लिए इकोनॉमी के नवी मुंबई की इकोनॉमी के लिए हम सब की इकोनॉमी या हम सब के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे सो दिस इज अ वेरी बिग प्लस. अनदर थिंग दैट इज अ गेम चेंजर इज MTHL. हमने जब सोचा था आई थॉट दैट यू नो व्हेन MTHL वॉज अनाउंस्ड वी थॉट इट विल बी वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स विच विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. बट अगर आप प्रोजेक्ट को देखेंगे तो काफ़ी सारे पीपल फ्रॉम बॉम्बे आर जस्ट शिफ्टिंग टू नोड्स लाइक उलवे द्रोणागिरी पुष्पक नगर जस्ट सीइंग द स्पीड ऑफ MTHL. इमेजिन 20 मिनट्स फ्रॉम सिवरी नावा टू Pulwe, that itself is a very big plus. You will also see a lot of ring roads, roads which have already been constructed in and around the airport from CBD to Pulwe to Dronagiri and Panvel this side. And they have also been open to traffic. That also is very, very positive for Navi Mumbaikars. Digiport will be the next
big plus as far as warehousing is concerned and for the economy of Panvel. Also, during COVID, because of COVID and also the war, I would like to share that the construction cost of most of the projects have increased by 500 rupees to 800 rupees a square feet. So this also means that काफी सारे projects के जो prices हैं may go upwards in near future, which we would not like to be. अभी तक हमने जो भी projects है उसका price maintain करके रखा है, but definitely there is pressure on every developer because cost has increased exponentially, यानी 20% से लेके 80% increase in terms of raw material and labor. So we are trying to absorb the pressure as far as possible, but sooner or later this may happen. So I think this is again a good time to buy for whoever wants to buy. I think ye opportunity miss nahi karna chahiye. So with this I think we will have a question answer session. Aur mera sabse anurodh hai, darkhast hai, special request hai ki let us keep the talk to exhibition and we start our question and answer session. अभी जो न्यू प्रोजेक्ट्स है काफी सारे डेवलपर्स ने ऑलरेडी एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग और इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स फॉर कार पार्किंग एंड कार चार्जिंग माय नया पेन है यार तो मैं नीचे मैनेजमेंट में एक जन जो है बाइक नहीं नहीं एटले अगर कोई टाउनशिप बन रही है तो उसमें एसटीपी कंपलसरी किया है अभी वो एनवायरनमेंट जो बड़े प्रोजेक्ट्स है मोर देन 2 लाख स्क्वायर फीट उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है विदाउट दैट पीपल विल नॉट गेट एनवायरमेंट एनओसी एसटीपी इज पार्ट ऑफ इट कार पार्किंग इज पार्ट ऑफ इट योर इलेक्ट्रिकल जो सोलर सिस्टम है दैट इज पार्ट ऑफ इट एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट सो आई थिंक काफी सारे प्रोजेक्ट्स को बाय डिफॉल्ट ये फॉलो करना पड़ेगा दिस टाइम वी आर वर्किंग विथ ओनली 50% ऑफ द स्पेस सो देर इज अ स्पेस कंस्टेंट सो दिस ईयर आई थिंक वी विल डू ओनली हाउसिंग Housing will be our priority. Housing and only housing. हाँ जी घर तो बन रहे बहुत सारे पब्लिक भी आ रही है अच्छे घर भी हो रहे हैं लेकिन यहाँ जो मेन समस्या है शहर की पार्किंग पॉलिसी तो इसके बारे में कुछ आपका सजेशंस गवर्नमेंट को या अपने प्रोजेक्ट को इसका आई थिंक न्यू UDCPR जो है उसमें पार्किंग पॉलिसी जो है इट इज वेरी वेरी इलाबोरेट और स्पेसिफिक फॉर द एंटायर सिटी और आज की डेट पे सबसे बड़ा पार्किंग चैलेंज ही फ्यूचर में आने वाला है सो जो नालाज है जो ओपन स्पेसेस है उसके ऊपर पार्किंग का पोटेंशियल यूज़ करना चाहिए एंड देयर शुड बी स्पेसेस विच इज मल्टी स्टोरेड ओनली ईयर मार्क फॉर पार्किंग वो आने चाहिए सिटी के अंदर आप जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इतने सारे बड़े पैमाने में बना रहे हैं लेकिन आज ही के तारीख में पानी की समस्या हर से लेके आगे के एरिया में है फ्यूचर में इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है क्योंकि आज जो लोग रहने आए हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है सिडको सर सिडको और NMMC ने हमेशा हमें आश्वासन दिया है कि वी आर वाटर अबंडेंट ऐसा बोला है वॉट प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिविटी यानी पानी है वहाँ पे सोर्स पे उसको कनेक्टिविटी लेके आना है एंड NMMC तो हमेशा ही बोलते आ रही है कि वी आर वाटर सरप्लस वी आर इन अ पोजिशन टू गिव टू अदर नोड्स ऑल्सो सो आई थिंक दैट इज देयर इंटरनल थिंग वी वुड नॉट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न आई थिंक इट्स अ स्टेट प्रॉब्लम एंड इट्स अ बिग चैलेंज इट्स अ वेरी बिग चैलेंज एंड I think it's for the state to decide how they are going to come up with challenge ko overcome kaise karenge अभी तक हमने जितने मकान बनाए हमने जितने डेवलपर्स ने सबको 24 घंटा पानी मिल रहा है आगे में ध्यान रखेंगे कि जब तक 24 आवर्स वाटर सप्लाई नहीं हो वहां पर प्रोजेक्ट्स नहीं डेवलप करने चाहिए वो ध्यान रखेंगे हम सर 2018 और 2022 में बहुत कुछ फर्क आ चुका है एज फार एज आवर इकोनॉमी इज कंसर्न और लीडरशिप इज कंसर्न पेंडेमिक जो हिसाब से इंडिया ने हैंडल किया है पेंडेमिक को वी आर टर्न इन टू अ वर्ल्ड लीडर आज पेंडेमिक के बाद पब्लिक की रिक्वायरमेंट हाउस की चेंज हो चुकी है वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हो चुका है नज़दीक से नज़दीक रहने की आदमी अभी कोशिश करेगा
जितना मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट नहीं होवे उसकी भी कोशिश करेगा। तो ये एग्जीबिशन 18 के मुकाबले 22 में बहुत ही एंथुजियाज्म है। नवा क्या लेके आ रहे हैं, बड़ी चीज़ें क्या है, क्योंकि मार्केट बहुत चेंज हो चुकी है ये 3 साल में। जैसा देवांगी ने बताया कि बॉम्बे का डेटा जो था इट्स अ रिकॉर्ड डेटा, इतने घर कभी बिके नहीं थे जो अप्रैल का रिकॉर्ड था। उससे भी ज़्यादा और भी अपीलिंग क्या है कि बॉम्बे में लग्जरी सेगमेंट्स में मैक्सिमम सेल हो रहा है। तो ये आखिरी मार्केट शिफ्ट हो रही है, बड़े घर सबकी रिक्वायरमेंट है, अच्छे से अच्छा एमिनिटीज रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। तो दिस एग्जीबिशन इज उसके वजह से बहुत एक्साइटिंग है। क्या इस बार के एग्जीबिशन में जो फोकस होगा वो लग्जरी सेगमेंट पर होगा या अफोर्डेबल पर? सर, लग्जरी सेगमेंट तो एक छोटा मोटा पार्ट रहता है। न्यू बॉम्बे बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है, का जो आदमी बॉम्बे में जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो न्यू बॉम्बे शिफ्ट होके वो अफोर्ड करने के लिए कोशिश करता है। नो डाउट अभी इंडिपेंडेंटली इधर की भी खुद की पोटेंशियल भी पहले से बहुत बहुत बढ़ चुकी है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड। न्यू बॉम्बे के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना चल ही नहीं सकता है। अभी पहला अफोर्डेबल हाउसिंग हम बात कर रहे थे कलमबोली पनवेल में बात करते थे, तो अभी अफोर्डेबल हाउसिंग बात करेंगे कर्जत और खपोली में, फर्क इतना रहेगा। पर अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना कोई बिल्डर सर्वाइव नहीं हो। यूएसपी ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन की होगी पोस्ट कोविड, जो चैलेंजेस है वो हम लोग कितना उसको मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। द होल पब्लिक इज लुकिंग टू सम न्यू कॉन्सेप्ट पोस्ट कोविड, तो ये चैलेंजेस हम लोग कितना उसको सॉल्व कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या दे सक रहे हैं, बैक ऑफिस में क्या उनको प्रोवाइड कर सक रहे हैं, दैट विल बी अ चैलेंज। और वो हम लोग आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग इट। देखो बिकॉज यहाँ पे जो हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज फ्रॉम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सिडकों ने जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर किया और उसको वेल मेंटेन एनएमएमसी कर रही है, और जिस हिसाब से कनेक्टिविटी यहाँ की बढ़ रही है, जैसे कि अभी आप 360 डिग्री का बता रहे हो, तो 360 डिग्री खाली कनेक्टिविटी है। जैसे कि पहले अपने पास एयरपोर्ट कभी आएगा, अभी एयरपोर्ट आने में ही है, फिर रोड वाइज समझो कि ट्रांस हार्बर आ गया, वो भी अपने हाल ही में आ जाएगा। जो पानी की सर्विस है मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी आ गया। बाकी पुणे एक्सप्रेस वाइज नवी मुंबई से ही जा रहा है, और प्लस पाम बीच हर कनेक्टिविटी के हिसाब से 360 डिग्री। फिर एजुकेशन देखो तो आज सिटी के अंदर इतना अच्छा है, हॉस्पिटलिटी के अंदर देखो तो उसके अंदर भी अपना नवी मुंबई आगे बढ़ रहा है। तो ये 360 का कंसेप्ट और स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, उसी के बारे में उसको हाईलाइट किया गया है। देखो ये जो कंपेरिजन की आप बात करते हो 3-4 लाख और हाउसिंग की जो डिमांड के हिसाब से, तो जब नैना खुल जाएगा और उसकी स्कीम बराबर चालू हो जाएगी तो उसके अंदर किफायती भाव के अंदर यहाँ पे हाउसिंग मिलेगा, जो आदमी नवी मुंबई में हम लास्ट 5-7 साल से देख रहे हैं। बिकॉज फ्रॉम कुछ पॉलिसीज ऐसी है को पॉलिसीज की वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा। जब वो पॉलिसीज ठीक से आ जाएगी फिर उसका डेवलपमेंट नहीं जाएगा। और जो पर्टिकुलर 3-4 लाख के बोल रहे तो प्राइम एरिया में, जैसे कि अभी पाम बीच में था, आज से 15 साल पहले पाम बीच में क्या था और आज अभी क्या है, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो ये सिटी का ग्रोथ तो होने वाला है। कुछ आपने पॉलिसीज दी है कि सिटी को बताएं क्या? हाँ डेफिनेटली हमने दिया हुआ है। हमने जैसे नैना में 60-40 है, 60% लैंड ओनर का, 40% ये जो 40% के अंदर 25 माले की बिल्डिंग या 20 माले की बिल्डिंग हमको बनानी पड़ती है, तो किफायती भाव में हम नहीं बेच सकते क्योंकि वो 25 साल की है तो उसकी हमको 4-5 साल लगते हैं बनाने के लिए। और अगर हमको 50-50 की स्कीम, नो डेवलपमेंट चार्ज नो बेटरमेंट चार्ज आएगा, तो हम लोग वो घर 1.5 या 2 साल के अंदर बना सकते हैं, जिसके दाम के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, मेंटेनेंस में भी फर्क पड़ेगा। और जो ये सिटी की जरूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो जितना सिडको कर रही है उसे डबल में हम करेंगे। देखो गलत दिशा में है नहीं है ये मन से बताना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमने हमारी स्कीम बाय राइटिंग में हमने दी हुई है ऑलरेडी। गलत बोलना सही बोलना ये मन से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर 50-50 आएगा तो उसमें डेफिनेटली ये सिटी का ग्रोथ है, और ये सिटी के ग्रोथ में सभी का ग्रोथ है, हम खाली डेवलपर नहीं, हम लोग यहाँ के सिटीजन भी हैं।
तो अपन को सिटी के ग्रोथ क्या देखना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू दिस एग्जीबिशन, एंड आई हैव बीन इंटरेस्टेड टू प्रेजेंट ए हार्टी वोट ऑफ थैंक्स टू एवरीबडी. सो आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम गिविंग यू a very hearty vote of thanks for coming in a very big strength and giving us a very enlargement of acknowledgement. Dear friends, my member friends, please listen. This exhibition is going to mark a new era in the Navi Mumbai exhibition and the development. So, take part and be happy. अरे अरे आमा नौ है, आमा नौ है. मिस्टर जिगर अमर मिश्रा हितेश आर गामी मिस्टर मनीष रामजियानी मिस्टर सुरेश पटेल मिस्टर रमेश चौधरी मिस्टर सिद्धू सनी रमेश जी कालिया यश जी कालिया मोनिस शाजर पुलिन जी पारे मिस्टर ऋषि शेर कमरिया विनीत कपूरिया एंड देवी शाह. विदाउट दिस एग्जीबिशन इज नॉट पॉसिबल. What up? Thanks. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.